एवरीवन, वेलकम बैक टू आरपी लाइफ। स्वागत है आपके मेरे एक नए ब्लॉग में। होप करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हूँ। और अभी दोपहर के 3 बजने वाले हैं और मुझे कुछ काम से बाहर जाना है। क्या काम है वो मैं आपको बता नहीं सकती, थोड़ा सीक्रेट है। कुछ काम है, इसके लिए मुझे भी बाहर जाना है। तो मैंने सोचा कि ब्लॉग आज यहीं से शुरू करते हैं। तो फिर चलिए चलते हैं। वापस आ गई हूँ और काफ़ी लेट वापस आई हूँ मैं। एक्चुअली मुझे कुछ काम था मैंने। और हाँ, एक क्वेश्चन जो कुछ फ्रेंड्स मुझे मैसेज करके पूछ रहे थे जो कि मेरे ब्लॉग देखते हैं, उन्होंने एक क्वेश्चन किया है कि मैं ज़्यादातर मोना या रिजेंट में मूवी क्यों देखती हूँ, क्योंकि पीएनए मॉल में जाके भी देख सकती हूँ। तो मैं उन्हें बता दूँ, और मैंने पहले भी चूँकि बताया हुआ है कि मेरा जो घर है, मैं जहाँ रहती हूँ पटना में, वो जगह गांधी मैदान और स्टेशन से दोनों के बीच में है। तो मेरे लिए मोना या रिजेंट ज़्यादा आसान होता है जाना, और फिर उतना दूर कुर्जी साइड जाके पीएनए मॉल जाने से बेहतर है कि घर के जो पास है, मूवी स्टार्ट होने से थोड़ी देर 5-7 मिनट पहले निकलो और पहुंच जाओ। तो इसलिए मैं वहाँ देखना ज़्यादा पसंद करती हूँ। उतना दूर ट्रैवल करके जाने का क्या मतलब है देखने का। इसलिए तो होप आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे कि मैं क्यों मोना में और रिसेंट में मूवी ज़्यादा देखती हूँ। और उसके बाद मैंने मूवी देखा, मूवी देखने के बाद मैं ऑफ़िस चली आई, क्योंकि ऑफ़िस में कुछ काम था इसकी वजह से। और बस अभी कुछ काम जो था वो निपट चुका है, तो अभी मैं घर के लिए निकलूँगी। बस यही अपडेट देना था। और आज दोपहर से मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया और आज पूरे दिन यही हुआ है, तो मैं काफ़ी टायर्ड हो चुकी हूँ और अभी मुझे घर जाना है। तो बस मैं मिलती हूँ, देखती हूँ होपफुली कल आप लोगों से। तो बने रहिए इस ब्लॉग में, देखते हैं कब तक चलता है और कितना लंबा चलता है। जी, तो मैं वापस आ गई हूँ। अभी नेक्स्ट डे मॉर्निंग नहीं है, ये इवनिंग टाइम हो चुका है। तो मैं इवनिंग से अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो मुझे बाहर कुछ काम है, तो इसलिए मैं रेडी हुई हूँ। तो चलिए बाहर चलते हैं और देखते हैं क्या होता है। ये इनका हेयर कट हो चुका है। कैसा लग रहा है हेयर कट करवा के? अच्छा। मेरा बेटा बड़ा हो गया है अब तो? नहीं, मजा आया कटवा के? अभी हीरो लग रहा है ना? क्या लग रहे हो? हीरो। कैसे बोलते हो तुम? हीरो। एक नंबर का हीरो। कैसे बोलते हो? एक नंबर का हीरो। तो इनका हेयर कट हो चुका है। एक्चुअली इसका हेयर इतना ज़्यादा ग्रोथ होता है ना कि मैं परेशान हो जाती हूँ। तो सबसे पहले बाहर निकलने के पहले मैंने यही डिसाइड किया कि पहले इसका हेयर कट करवाना है। अभी देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना? और आज मुझे ये महसूस हुआ कि मेरा बेटा अब तो काफ़ी बड़ा हो चुका है, क्योंकि जब ये छोटा था और इसे जब हेयर कट करवाना होता था तो सिर्फ एक ही इंसान इसका हेयर कट करवा सकता था। हम छोटे थे तो तेल भी लगा लेते आप। तो इसका हेयर कट सिर्फ एक ही इंसान करवाता था, और वो था मेरा छोटा भाई, इसका फेवरेट मामा। वो एकदम इसे गोद में बैठा के अलग अलग चीज़ें बात में इसे उलझा के रखता था, एंड देन इसका हेयर कट करवाना पड़ता था, क्योंकि एक तो छोटा था और इधर इधर उधर उधर खूब करता रहता था। मैं छोटा बाबू था तो मामा छू लिया था। हाँ, तो लेकिन आज ये खुद से बैठ के प्रॉपर एकदम जेंटलमैन की तरह हेयर कट करवाया, तो मुझे लगा कि अरे वाह, मेरा बेटा तो बड़ा हो गया। ऐसा क्यों होता है कि लड़कों का हेयर इतनी जल्दी ग्रोथ हो जाता है और हम लोग बस बैठे रहते हैं कि हम लोगों का भी थोड़ा सा हेयर ग्रोथ हो जाए, बट ऐसा होता नहीं है। और इन लोगों का तो हर महीने कटना पड़ता है, क्योंकि इतना ज़्यादा बड़ा हो जाता है। खैर, अभी मेरा बेटा बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है और अभी हम इसका हेयर कट करवा चुके हैं। तो हमको और बर्गर भी खाना है। बर्गर? इनको बर्गर खाना है, इनका तो चॉकलेट वाला बर्गर खाएंगे। तो बस अभी हम लोग थोड़ी देर में बाहर निकलेंगे, तो फिर आपको दिखाते हैं। Thank you.
रोल बना रहे बाबा में। अच्छा लग रहा है ना, बढ़िया आएगा देख के। वापस आ गई हूँ। कल मैंने उसके बाद कुछ भी कंटिन्यू नहीं किया। कल जैसा कि आपने देखा, मैंने कुछ कुछ छोटी मोटी चीज़ें शॉपिंग की और उसके बाद जैसे ही हम लोग बाहर निकले तो हम लोग की गाड़ी ख़राब हो गई और मैकेनिक को दिखाया तो उन्होंने बोला कि ये कल मिलेगी। अब जब गाड़ी ही ख़राब हो चुकी थी तो फिर क्या करते, और मौसम भी काफ़ी ख़राब हो रहा था तो इसलिए हम लोगों ने और कुछ भी आगे कंटिन्यू नहीं किया। हम लोग थोड़ी देर के बाद फिर वापस रिटर्न घर आ गए और आज नेक्स्ट डे मॉर्निंग है और भगवान भोलेनाथ की कृपा से मौसम बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुहाना है, बारिश हो रही है। जैसे कि पिछले महीने बारिश के लिए एकदम लोग तरस चुके थे, बट अभी बारिश हो रही है जो कि होपफुली बहुत ही अच्छी बात है। तो बस देखते हैं आगे आज क्या होता है। और अभी हम लोग निकल रहे हैं और ये भी हीरो रेडी हो गए हैं जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। मैं यहाँ पे सिकंजी पी रही हूँ क्योंकि बहुत ही ज्यादा गर्मी लग रही है। तुमको कुछ नहीं छोड़ देंगे, यही ना खड़ा करो समझ। हाँ जी, तो मैं घर आ गई, देख रहे होंगे कि पसीना हो रहा है। एक्चुअली हुआ क्या कि जैसे हम लोग घर से बाहर निकले खूब जोरों की बारिश हुई, और बारिश ही नहीं हुई साथ में हवा भी काफ़ी तेज़ थी और लगभग 2-3 घंटे तक बारिश हुई। और बिहार का हाल तो आप लोगों को पता ही है कि थोड़ी सी बारिश में बाढ़ आ जाता है। तो बस हम लोगों ने कहीं भी जाना अवॉइड किया क्योंकि ऑब्वियसली पानी भर चुका होगा और काफ़ी रात हो चुकी थी। तो मैंने सोचा कि खैर छोड़ो अब क्या ही करें। और आज मुझे मीठा खाने की बहुत ही क्रेविंग हो रही थी तो मैं एक शॉप में गई जहाँ से मैंने स्वीट्स लिया, पेस्ट्री ली, पता नहीं क्यों बट आज मुझे मीठा खाने की बहुत ही ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो यार ये कभी काल तो मन करता है मीठा खाने की, तो चलो आज खाते हैं और क्या। और इस ब्लॉग को मैं कंटिन्यू रखती हूँ और देखते हैं कब इसको एंडिंग करती हूँ। मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मॉर्निंग हो चुकी है, मैं रात को जैसा कि काफ़ी लेट आई थी मैंने आपको बताया ही, और अभी मैंने आपको जो दिखाए वो ताज़े ताज़े अमरूद, वो हमारे पेड़ के हैं। मैं हमारे पेड़ के मतलब हमारे ऑफिस में गुआवा का बहुत सारा पेड़ है और उसमें इतने सारे मतलब अमरूद लगे हुए हैं, इतने सारे। अब तो कुछ कल तोड़ के हम लोग लेके आए थे तो मैंने दिखाया कि देखिए कितने फ्रेश और ताज़े ताज़े अमरूद, खाइए और इन्जॉय कीजिए लाइफ को। पेड़ से तोड़ के खाए हुए फ्रूट्स का या फिर सब्जियों का मतलब टेस्ट ही कुछ और होता है। तो बस हम लोग
अमरूद खाएंगे आज, और मैंने सोचा आपको भी दिखाएं कि हमारे गेस्ट हाउस में कितने सारे, अभी तो ये कुछ भी नहीं है, पूरे पेड़ अमरूद से मतलब लगा हुआ है, इतना ज़्यादा है। खैर मैं कल रात को इस ब्लॉग को एंड नहीं दे पाई थी, और मैं नहीं चाहती कि और लंबा खींचे ये ब्लॉग, तो मैं चाहती हूँ कि इसको यहीं पे एंड करूँगी। और जैसा कि प्रधानमंत्री ने बोला है कि 13 से 15 अगस्त तक अपने घर पे ध्वजारोहण जरूर कीजिए, तो आप भी जाइए भारतीय तिरंगा खरीद के लाइए और अपने घर पे लगाइए, क्योंकि इसमें हम सब भारतीयों को शामिल होना चाहिए, और मैं भी ज़रूर ऐसा करूँगी, और होप करती हूँ कि आप भी करेंगे। तो फिर ज़्यादा ना पकाते हुए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। होप करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, देखते हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर भी कर दीजिएगा, और मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।